नमस्कार, मैं हूँ नवजोत रंधावा। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली, और देखिए ये एक ऐसे पल होते हैं जिसका इंतजार बचपन से हम सबको होता है। बड़े होकर पता नहीं आप लोगों को छुट्टियां मिलती है या नहीं, नहीं मिलती। तो इसीलिए हमने सोचा कि हैप्पी हॉलीडेज की शुरुआत करते हैं। हम इन सबको भी और आपको भी बचपन की उन यादों में लिए चलते हैं जब हम और आप गर्मी की छुट्टियों का मजा लिए करते थे, आम खाया करते थे, नानी के घर जाया करते थे, चुप चुप गाड़ी पे बैठकर अपनी अपनी नानी के घर जाते थे, और छोटे छोटे बच्चों की वो टोलियां जब छोटे छोटे खेल हुआ करते थे। चलिए उन्हीं यादों में आपको लिए चलते हैं कवि सम्मेलन में। स्वागत है आपका बहुत बहुत। तो भाई हैप्पी हॉलीडेज की शुरुआत हम करें, उससे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगी, आप में से किस किस को हैप्पी हॉलीडेज समर वेकेशन का इंतजार रहता था? सबको। और अब किस किस को दुख होता है कि छुट्टी नहीं मिलती? अब भी सबको। तो पहले वाले दिन अच्छे थे या अब वाले अच्छे हैं? पहले वाले अच्छे थे। तो चलिए हम आपको पहले वाले दिनों में ही लिए चलते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं अमित जी, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। अनामिका अंबर, बहुत स्वागत है। स्वाति खुशबू, दीपक सैनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिना देर किए जरा अनामिका जी ले चलिए उन दिनों में। हाँ बिल्कुल, उन्हीं दिनों में लेकर के चलती हूँ। हालांकि गर्मियों का मौसम और गर्मियों की छुट्टियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि संजीवनी बूटी। हाँ, जो ये आप लोगों की आह वाह आई है, बस यहीं से कवि सम्मेलन प्रारंभ करना चाहती हूँ। बेचारों का दुख भी अभी ओ भी आ जाएगी। कोई भी बात अच्छी लगे बस आपको उसको दिल तक पहुँचाना है और अपने जुबान से वाह कर देना है। गर्मी का मौसम है, खास रहोगे तो यार बना देंगे। क्या बात है। अभी अभी पुराने दिनों में ले चलूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ बात कहती हूँ कि गर्मी का मौसम है, खास रहोगे तो यार बना देंगे, ये लोग हैं साहब, आम बनोगे तो अचार बना देंगे। पंक्तियाँ यूं हैं कि आंख तरेरी सूरज सरने लगा किनारे वस्ता, आंख तरेरी सूरज सरने लगा किनारे बसता, महंगी शीत हवाएं अंबर हुआ पसीना सस्ता। क्या बात। महंगी शीत हवाएं अंबर हुआ पसीना सस्ता, कॉपी कलम किताबों से कर दो महीने की कट्टी। हाँ। चलो मनाने नानी के घर हम गर्मी की छुट्टी। क्या बात है। चले बहुत बढ़िया। चलो मनाने नानी के घर हम गर्मी की छुट्टी। और आप लोग भी थोड़ा सा अपने बचपन में लौटिए, हम थोड़ा ज्यादा अपने बचपन में लौटते हैं। सुनिएगा कि खूब खनकती एक गुल्लक में जैसे अक्सर चिल्लर। हाँ। खूब खनकती एक गुल्लक में जैसे अक्सर चिल्लर, डूबे रहते थे मस्ती में हम सब मिलकर दिन भर, डूबे रहते थे मस्ती में हम सब बच्चे दिन भर, नागराज ध्रुव बिल्लू पिंकी मोटू पतलू साबू। क्या बात है। क्या बात है। नागराज, आप सबने तो शायद नहीं पढ़ी होंगी, ये कुछ लोगों ने पढ़ी होंगी। पूछी लेते हैं ना अनामिका जी, पूछे तो। अच्छा आप लोगों ने पढ़ी है। पढ़ी है, जिसने पढ़ी है हाथ ऊपर कीजिए जरा। अच्छा सबने पढ़ी है। जी मेरा फेवरेट हीरो था बांके लाल। अच्छा सच में। सुनिएगा कि नागराज ध्रुव बिल्लू पिंकी मोटू पतलू साबू। हाँ। और कड़ी धूप में हमको यही कर पाते थे काबू। क्या बात है। कड़ी धूप में हमको यही कर पाते थे काबू। बहुत बढ़िया। लूडो कैरम ताश के संग में बीते मस्त दोपहरी। हाँ। लूडो कैरम ताश के संग में बीते मस्त दोपहरी, चाल त्रुप की दुग्गी काटे इक्के तक्की गहरी। चाल त्रुप की दुग्गी काटे इक्के तक्की गहरी, और जिसके पासे ठीक न पड़ते जो दिखता था हारा। आप में से कोई ना कोई होगा ऐसा, उसके पास ठीक न पड़ते जो दिखता था हारा, उसने कोई बहाना ढूंढा झट से खेल बिगाड़ा। ये नहीं, 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 कौन कौन है ऐसा खेल बिगाड़ने वाला? कौन कौन है? बहुत सारे प्यारे हैं, खुद हाथ भी उठा रहा हमें से। उसने कोई बहाना ढूंढा झट से खेल बिगाड़ा, सोडा कुल्फी छाछ शिकंजी ठंडा ठंडा कोला। सोडा कुल्फी छाछ शिकंजी ठंडा ठंडा कोला, लस्सी खीर मलाई शरबत और बर्फ का गोला, आइसक्रीम रूह अफ़ज़ा अमरस और कैरी का पन्ना। आइसक्रीम रूह अफ़ज़ा अमरस। देखिए अमित जी को हम गर्मी में रूह अफ़ज़ा लग रहे हैं। ये आपको भटका रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि अनमोल हूँ मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो, मैं जिसको याद रखूं ऐसा नाम नहीं हो, और मिल जाएंगी तुम्हारी
तुम्हारी गोपियां तुम्हें कहीं, मैं जिसकी राधिका हूँ तुम वो श्याम नहीं। भाई हम लोग तो गर्मी की छुट्टी का इंतजार सिर्फ इसीलिए करते थे कि जो अपनी हो नहीं पाई तो मायके जरूर वापस आती थी। अनामिका जी, हाँ बिल्कुल, और ये बॉयफ्रेंड नामक चीज भी मायके में ही पाई जाती है। आइसक्रीम रूह अफजा अमरस और कैरी का पन्ना, चरखी में से भूस निकलता रस छलकाता गन्ना। चरखी में से भूस निकलता रस छलकाता गन्ना, अब बच्चों का डिजिटल दुनिया निगल गई ये बचपन। हाँ बिल्कुल सही बात, बहुत आभार, ये पंक्ति आपने समझी और आपकी वाह यहाँ तक पहुँची और इस विषय में हमें सोचना चाहिए। यही कारण है कि जीएनटी कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रम करवा के आप तक वो संदेश भी पहुँचाते हैं जो हंसी मजाक के साथ साथ कई जीवन बदलते हैं। कहती हूँ कि अब बच्चों का डिजिटल दुनिया निगल गई ये बचपन, स्नैपचैट है ख्वाब की दुनिया और इंस्टा है धड़कन। स्नैपचैट है ख्वाब की दुनिया और इंस्टा है धड़कन, और ऐसे में कुछ लोग क्या कहते हैं, ये पैर जमीन पर नहीं है जब से दोस्तों, ये पैर जमीन पर नहीं है तब से दोस्तों, एक रील वायरल हुआ है जब से दोस्तों, एक रील वायरल हुआ है जब से बहुत प्रासंगिक नए गीत के बोल हैं। और ये गाते हैं तब अंतिम दो पंक्तियां कहती हूँ और आप सबकी मैं चाहती हूँ कि आप सबका समर्थन मिले और वो कहीं बदलने में, हमारे समर्थन के साथ बदलने में समर्थ हो। सुनिएगा कि अब बच्चों का डिजिटल दुनिया निकल गया ये बचपन, स्नैपचैट और ख्वाब की दुनिया, स्नैपचैट है ख्वाब की दुनिया और इंस्टा है धड़कन, घर तो पक्के हुए हमारे लेकिन रिश्ते कच्चे, घर तो पक्के हुए हमारे लेकिन रिश्ते कच्चे, तरस रहे हैं असल नेह को इस पीढ़ी के बच्चे, तरस रहे हैं इस पीढ़ी के। बहुत बढ़िया अच्छा आप ये बताइए कि हॉलीडे होमवर्क करना किस किस को अच्छा लगता है? बिल्कुल एक ही है, ऑड वन आउट एक ही है, बस आप ही को अच्छा लगता है, इधर से किसी को अच्छा लगता है तो जरा हॉलीडे होमवर्क, क्योंकि बाकी समय में कोई वर्क नहीं करती वो। हॉलीडे होमवर्क क्रिएटिव कहाँ होता है, वो तो बोझ होता है। चलिए हम आपको हॉलीडे होमवर्क वाला दर्द भी सुना देते हैं, क्योंकि देखिए आजकल एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा धरने पर बैठ गया और वो डीएम साहब के बाहर धरने पर इसलिए बैठा है कि उसको हॉलीडे, मतलब हॉलीडे कोई होमवर्क नहीं होना चाहिए। और यहाँ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का ये कहना है कि भाई हॉलीडे मतलब हॉलीडे, नो होमवर्क। तो हॉलीडे होमवर्क वाला दर्द भी जरा स्वाति जी से समझ लेते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज है, मुझे लगता है कि इसके साथ जो है वो बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन होमवर्क जो हमारे नोटबुक में दिए जाते हैं उसके साथ नहीं जाने चाहिए। चार पंक्तियों से मैं शुरुआत करती हूँ, अपनी बात रखती हूँ और ये मेरी बात नहीं आप सबके मन की बात है, तो तालियों की थाप मुझे चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चार पंक्तियाँ ये आप सभी की ही पंक्तियाँ हैं। कुछ नया करने को ना तरसते रहे, पीठ पर बोझ के यूं ना बसते रहे, कुछ अलग रंग जीवन में उनके भरो, कुछ अलग रंग जीवन में उनके भरो, ताकि ये फूल खुश होके हंसते रहे, ताकि ये फूल खुश होके हंसते रहे। एक पैरोडी है, आप तुरंत क्लिक आपको हो जाएगा कि ये कौन से गाने की पैरोडी है, अगर आप साथ दे तो और अच्छा लगेगा। जी जी चलिए। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ छुट्टियों में घूमा, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ छुट्टियों में घूमा, नानी के घर घूमा, दादी के घर घूमा, नानी के घर घूमा, दादी के घर घूमा, मामा को भी चाचा को भी, मामा को भी चाचा को भी, रिंकू टिंकू लाचा को भी लगा के गले चूमा, नानी के घर घूमा,
घूमा, नानी के घर घूमा, दादी के घर घूमा, पेंसिल नहीं कॉपी नहीं, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, पेंसिल नहीं कॉपी नहीं, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, मन मर्जी से नाचे कूदे, रोकेगा क्या जमाना, रोकेगा क्या जमाना, मम्मी ने है मुंह फेरा, आहा आहा, मम्मी ने है मुंह फेरा, मम्मी ने है मुंह फेरा, पापा जी ने भी तरेरा, मम्मी ने है मुंह फेरा, पापा जी ने भी तरेरा, मैं अपनी मगन झूमा, मैं अपनी मगन झूमा, नानी के घर घूमा, दादी के घर घूमा, नानी के घर घूमा, दादी के घर घूमा। तो बस आप सभी छुट्टियों का ऐसे ही आनंद लेते रहे। दीपक ने भी बड़ा आनंद लिया है छुट्टियों का। देखिए भैया, नहीं नहीं हंसना नहीं है आपको, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। गर्मियों की छुट्टियां मैं भी जाता था भैया नानी के घर, इटली जाता था मैं, लेकिन निकलता बैंकॉक से था। अभी जो मैजिक है ये मैं युवाओं को समझाना चाहता हूँ। जाना इटली है, निकलना थाईलैंड से है। मैं अभी कर रहा हूँ भैया, मेरी समर वेकेशन खत्म नहीं हुई है। मैं विपश्यना करता हूँ, जाता हूँ तपस्या करता हूँ, तभी भारत को जोड़ रहा हूँ भैया। जय हिंद। क्या बात है, वाह। और मैं जोड़ के मानूंगा। नहीं नहीं, हम बिल्कुल हम आपकी बात मानते हैं। आप नहीं मानते हैं, मुझे यही प्रॉब्लम है। आप नाराज मत होइए। हाँ। आपके साथ चाचा खड़े हैं, देखिए चाचा आपको याद आ गया गर्मी की छुट्टियाँ। अब देखिए, अब तुम सभी हमारे भतीजे हो। भतीजिया भी चाचा, भतीजिया भी नहीं, भतीजिया तो सब अच्छी बच्चियां होती है ना। अच्छा। प्रॉब्लम तो भतीजों में होता है। क्यों भतीजे? क्योंकि जो भी तंग करते हैं भतीजे करते हैं। हमारा वाला भी इटावा बोल के ऑस्ट्रेलिया चला जाता था। और कई बार तो अब तो वो रहे नहीं, एक जने थे उनके अंकिल ऑस्ट्रेलिया, वो भी उनको बुला लिया घुमाने के लिए, गया अकेला था डबल होके वापस। तो आज ऐसी गर्मी की छुट्टी हम लोग के समय में तो होती नहीं थी। हम लोग तो अखाड़े में जाते थे, और ये होता था हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी वगैरह 2 महीने के लिए बंद, सन्नाटा। हाँ। कोई इतना मतलब मुरझाया माहौल रहता था, लेकिन ठीक ही है। हाँ। अब समय बदल गया है, एंजॉय करो यार, मस्ती लो। हम सब अपनी गर्मी की छुट्टियों को याद कर रहे हैं। आजकल तो पता नहीं, लेकिन गर्मी की छुट्टियां मतलब की लाइट ऑफ, गर्मी फुल और बत्ती गुल, और उस बत्ती गुल के भी अपने ही मजे हुआ करते थे। क्यों नामिका जी? तो मेरा मन है कि मैं बत्ती गुल तक पहुंचूं, बस 4 पंक्तियां चाचा जी को समर्पित करते हुए पहुंचती हूँ। स्वागत। किस जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए चाचा, कि घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए चाचा। यूं ही मैं तो संवर कर आ गई थी आज महफिल में, खता इसमें मेरी क्या है अगर घायल हुए। क्या शानदार सुन रहे हैं आप लोग। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि जलते जलते बत्ती हमको ऐसे गुल कर जाती थी। ओहो। याद कीजिएगा, और आपकी आवाज के दरमियान पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि जलते जलते बत्ती हमको ऐसे गुल कर जाती थी, भरी दोपहरी में कमरे को भट्टी से भर जाती थी, भरी दोपहरी में कमरे को भट्टी से भर जाती थी, छुट्टी में जैसे हम बच्चे नानी के घर जाते थे। आप भोलापन देखिएगा बच्चों का, बच्चे क्या सोचते हैं, वो बिजली को भी दोष नहीं देते हैं कि छुट्टी में जैसे हम बच्चे नानी के घर जाते थे, तब
बिजली भी छुट्टी लेकर नानी के घर जाती थी। जब बिजली भी छुट्टी लेकर नानी के घर जाती थी, नानी के घर जाती थी। ए गजल के एक दो शेर आप सब तक पहुंचाती हूँ जी, और कहीं उसमें बिजली को गर्मी को कैद करने का प्रयास किया है, सुनिएगा। सर्द मौसम बारिश के हैं दरमिया, सर्द मौसम और बारिश के हैं दरमिया, गर्मियां 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 गर्मियां। आम का मौसम है तब कहती हूँ हाँ, कि एक एक मौसम के कितने असर देखिए। अमित जी सुनिएगा, आप शायरी बहुत मन से सुनते हैं, कि एक मौसम के कितने असर देखिए, है कहीं आम तो है कहीं गुठलियां। क्या बात है, बहुत आवाज़ बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, शायरी पसंद लोग हैं। गुठलियों में आपने अमित जी का नाम क्यों लिया? अरे चाचा बनाया हुआ है ना, अभी हम चाचा के उसको बाहर निकाले, क्योंकि आप आम आदमी से हैं। सुनिएगा, ये अकड़ ना जकड़ ले पकड़ प्यार की। क्या सुन रहे हैं, ये अकड़ ना जकड़ ले पकड़ प्यार की, अपने लहजे में थोड़ी रखो यार। क्या सुन रहे हो आप लोग, रखो नरमियां। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, बिजली गुल है तो उन्हें क्या चाहिए कि फोन फुल चार्ज हो। ये आज वाले आजकल के लोग सुनिएगा, बड़ी मेहनत की है कि फोन फुल चार्ज हो, नेटवर्क खूब हो, फोन फुल चार्ज हो, नेटवर्क खूब हो, फिर भले हो अंधेरों में सब बस्तियां, भले हो अंधेरों में सब बस्तियां। और आप में से जिसने भी अपने प्रियवर को, चाहे वो प्रेयसी हो या प्रियवर हो, उसे मनाने की बहुत कोशिश की हो, तो वो नहीं माना हो तो उसके साथ क्या हो सकता है, सुनिएगा। कि आंच तो है मगर दिल पिघलता नहीं, आंच तो है मगर दिल पिघलता नहीं, धूप बाहर है अंदर तो है बदलियां, धूप बाहर है अंदर तो है बदलियां, धूप। अंतिम बात कहती हूँ, ये गर्मियां और इस गर्मी में पसीना, सुनिएगा कहीं ये पसीना आपकी मेहनत को सम्मान दिलाता हो। तो अंतिम शेर आप तक पहुंचाती हूँ, कि ये चमक है सितारों की माथे पे जो, ये चमक है सितारों की माथे पे जो, ये चमक है सितारों की माथे पे जो, हाँ यही है पसीनों की मन मर्जियां, यही क्या बात है। आपने तो एकदम आम आदमी वाला शेर सुना था। गर्मी कार दोस्तों, मैं तो आम आदमी हूँ। ये लोग दिल्ली वाले मेरा कई बार, क्योंकि दिल्ली की लैंग्वेज थोड़ी सी खड़ी बोली होती है नवजोत जी, मैंने कई बार कहा कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में जाना चाहता हूँ, तो लड़के बोलते हैं मफलर उतार के जाइयोगे। तो मैं सारे दिल्ली वालों को संदेश देना चाहता हूँ, जिसका इन्होंने जिक्र किया कि बत्तियां चली, दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता ना, बत्तियां तो नहीं जाती ना, देख लो जी कहीं बत्ती नहीं जाती, सारी जनता कह रही है। पहले जाया करती थी, पहले जाती होगी, हमने तो बत्ती को जाने ही बंद कर दिया, हमने दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए, वो कहीं नहीं जाती, वहीं रोक ली। दिल्ली के बॉर्डर पे हमारे मंत्री खड़े होते हैं, बिजली को जाने नहीं देते वो। और मेरी नानी कहा करती थी, सबकी दवा दारू का ध्यान रखना, मैं रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ। मैं तो बेटा हूँ आपका, भाई हूँ मैं, नमस्कार, सब मेरे साथ है जी, सब साथ है मेरे। अच्छा, मैंने सुना है कि दीदी दार्जिलिंग जाती है छुट्टियों में। हम पहले जाया करता था, और हम जब भी जाता है ये लोग पीछे पीछे ईडी भेजता है, ईडी वाला आता है कि फू उधर क्यों गया, कैसे गया, कब गया। पर आप तो मोमो बनाने गई थी ना। हाँ, मोमो हम बंगाल में उसका एक वो खोलने वाला है ब्रांच, और ज्यादा नहीं थोड़ा दिन बाद यही दिल्ली में भी आमी बोलबो, दिल्ली चलो, अकेला चलो, सब चलो। लग रहा है गर्मी की छुट्टियों में सब यही पहुंचेंगे। हाँ, फिर खेला हो बे, खेला हो बे।
लेकिन दीदी आपका खेल नहीं होने देंगे। देखिए ये जो दीदी कहती है कि हम दिल्ली में आएंगे, गर्मियों की छुट्टियां मनाएंगे, दीदी मैं आपको कहना चाहता हूँ आपका स्वागत है, हमने भी बहुत गर्मियां देखी है, हमारी तो सरकार ही मई के अंदर आई है दीदी, हमने सबकी गर्मी को निकाल के फेंक दिया है, आप मुझे बताओ मेरे जिगर के टुकड़े जैसे मेरे युवाओं, एक बार दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की मुट्ठी दीजिए, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। अच्छा 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 एक मिनट शाह जी, आपकी गर्मी की छुट्टियां कैसे बीतती थी? देखो भाई हम तो बहुत ही मेहनती लोग आम साधारण परिवार के हैं, हम तो गर्मी नहीं, में नहीं, ये कोई ना कोई सरकार बनाने जाता होगा। ये आपने गलत कहा है दीदी, कर्नाटक का भी सरकार इसी चक्कर में बना है कि नहीं बना पा रहे हो, ये जाने वाला था तो उन लोगों ने जल्दी से कर्नाटक का सरकार बना लिया। ऐसी ही दीदियां होती है जो अपने घर का हिस्सा लेकर अलग हो जाती है। मैं गर्मियों में जाता था भाई, गर्मी से ही बचपन से मेहनत की है, अपनी पार्टी के पोस्टर लगाए हैं, कई बार तो दूसरों के एसी पर लगाता था वो खराब हो जाता था। आपको भी मनाना चाहिए, और जहाँ हमारे राहुल बाबा जाते हैं ना उस तरफ गर्मी की छुट्टी में नहीं जाना चाहिए। गर्मियों में बचपन वाली फ्रेंडशिप क्या होती थी और वो दोस्ती आज तक कैसे कायम है बताइए। जरा तालियां बजाइए। ठंडी बयार वाली गर्मियों की छुट्टियां, ठंडी बयार वाली गर्मियों की छुट्टियां, बचपन के प्यार वाली गर्मियों की छुट्टियाँ, क्या बात है, बचपन के प्यार वाली गर्मियों की छुट्टियाँ, बचपन के प्यार वाली गर्मियों की छुट्टियाँ, और अपने अपने बचपन में जाइए, उसकी शरारतें मेरी मासूम अदाएं, उसकी शरारतें मेरी मासूम अदाएं, जो गर्म रेत पर चली हो ठंडी हवाएं, बेहद तपन थी आँच थी सूरज की धार थी, सबके लिए थी गर्मी हमें तो बहार थी। क्या बात है, यारों की यार वाली गर्मियों की छुट्टियां, बचपन के प्यार वाली गर्मियों की छुट्टियां, बचपन के प्यार वाली गर्मियों की छुट्टियां, एक ही झलक में दो दिलों को मिलती राहतें, नन्हे कदम से ऊंची छलांगों की चाहतें, हर बात में थी बात जुबां पे न आई थी, हर बात में थी बात जुबां पे न आई थी, एक बेफिकर सी बेकरारी दिल पे छाई थी, हसरत हजारों वाली गर्मियों की छुट्टियां, बचपन के प्यार वाली गर्मियों की छुट्टियां। और अंतिम बात, आप लोगों की भावा लेने का भी समय नहीं है, तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि हॉलीडे होमवर्क से हॉलीडे होमवर्क करते करते याद में, हॉलीडे होमवर्क करते करते याद में, धीरे से रील देख, धीरे से रील देख पढ़ाई हो बाद में, हॉलीडे होमवर्क करते करते याद में, धीरे से रील देख पढ़ाई हो बाद में, फोटो को उसकी जूम करके दिल से लगाना, फोटो को उसकी जूम करके दिल से लगाना, बिन बात मुस्कुराना नजर सबसे बचाना, सचमुच बहार वाली गर्मियों की छुट्टियां, ठंडी बयार वाली यारों के यार वाली, उस प्यार वाली गर्मियों की छुट्टियाँ, बचपन के प्यार वाली गर्मियों की छुट्टियाँ। तो चलिए गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी है, हमने कोशिश की कि आपको थोड़ा आपके बचपन की तरफ ले चले ताकि आप भी गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय करें, तो फिलहाल कवि सम्मेलन में अभी के लिए इतना ही, हैप्पी हॉलीडेज।